कहानी हो सकती है एंड नाउ सी कि आप इससे कितना रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बेफिक्री से कट रही थी जिंदगी। न मन में कुछ सवाल थे ना ही कोई बवाल थे, न मन में कुछ सवाल थे ना ही कोई बवाल थे कि फिर यूं ही जिंदगी की कश्मकश में आगे बढ़ते बढ़ते कि क्या किया जाए, कि जिंदगी की कश्मकश में यूं ही आगे बढ़ते बढ़ते कि क्या किया जाए, कैसे एक आम स्त्री को एक खास स्त्री में बदला जाए। तो मैंने शादी के बाद फिर से टीचिंग में अपना करियर बनाने का इरादा किया एंड आई वुड बिकम अ वेरी गुड टीचर, खुद से ही एक वादा लिया और फिर अपने घर की तंग गलियों से अपने दामन को आजाद कर होप के अहाते में एक आजादी की खुली सांस ली। हो जैसा कि नाम ही था उम्मीद, तो उम्मीद कुछ यूं जुड़ी कि अब मेरे जीवन में एक नया उजाला होगा, सब कुछ बहुत ही अलग बहुत ही निराला होगा। वो कहते ना कुछ अमेजिंग था, ऐसा मैंने भी सोचा था और फिर कुछ हुआ भी। कुछ टाइम तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही अमेजिंग सा चला, फिर धीरे धीरे हाई वर्क लोड ने लो ब्लड प्रेशर का मरीज बना दिया, इट्स ट्रू। बच्चों के भारी बैग्स का बोझ करेक्शन के लिए कब मेरी टेबल पर आ गया पता ही ना चला। एग्जाम, पीटीएम, रिजल्ट, एक्टिविटीज, इन सब का प्रेशर और इन सब के बीच में फंसी सी उलझी सी परेशान सी मैं। और इसके बाद सरदर्द, थकान, अनिद्रा, डार्क सर्कल, इन सभी ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया और मेरे पास कोई नवरत्न तेल भी नहीं था कि वो मैं लगा के अनिद्रा, थकावट, अपना सरदर्द मिटा सकूं। आगे बढ़ती हूँ। हर सुबह स्कूल आते वक्त बस यही चीज जहन में आता कि बस बहुत हो गया, अब इस साल तो कंटिन्यू नहीं करना। पर ये ख्याल जैसे आता, जितनी रफ्तार से आता उतनी ही रफ्तार से रफा दफा हो जाता। जितनी रफ्तार से ये ख्याल आता उतनी ही रफ्तार से ये रफा दफा हो जाता जब क्लास में बैठे वो 30 सहचेहरे, जब क्लास में बैठे वो 30 से मासूम चेहरे याद आते, उनकी शरारतें याद आती, उनका प्यार से गुड मॉर्निंग मैम ये कहना याद आता, उनका ये कहना याद आता मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। आई नो कि वो सारे कॉम्प्लीमेंट झूठे होते हैं, लेकिन पता नहीं एक अजीब सा नाता भी उन कॉम्प्लीमेंट से जुड़ता गया। जब जब ये बात याद आती कि इन बच्चों को चलना नहीं संभलना सिखाना है, जब जब ये याद आता कि इन बच्चों को जिंदगी जीना नहीं, क्योंकि जिंदगी तो इनके पास ऑलरेडी है, इन्हें जिंदगी जीना नहीं जिंदगी जीने का तरीका सिखाना है, बच्चों का सिर्फ एक टीचर नहीं वरन इनका आदर्श बनकर दिखाना है और अपने ज्ञान को बूंद बूंद करके इनके भीतर भरना है। ये कच्ची माटी है, खाली लकीरें हैं, हमें तो इनका अक्स तैयार करना है। मैं संभल जाती, खुद को रोक लेती, अपने सपने को वहीं छोड़ देती और मिसेस नेहा महेश सिंघई से वापस अपने चरित्र, अपने रियल किरदार नेहा मैडम में लौट कर आ जाती। शायद ये कविता आप लोगों से भी रिलेट कर पाई हो।